बस मेरी जिस तरह का मेरा शरीर है उस हिसाब से मेरी पावर वापस ला दो। ओ भाई साहब गाइस ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो भाई मैजिक स्टार्ट हो गया है। तीन बंदों का सर समेत पूरा का पूरा खा गया ये। अबे यार क्या सीन कर दिया यार, उस कम्युनिटी वालों ने यार मेरी सारी पावर ले ली है। अब मैं क्या करूंगा अकेले नीचे, मुझे फौरन से पहले किसी की मदद लेनी चाहिए, इससे पहले कि मैं मुझे कोई भी आम आदमी भी मार सकता है। अभी तो मैं बिल्कुल नूब हूं, मुझे फौरन से पहले किसी एक बंदे के पास जाना चाहिए जो मेरी पावर वापस ला सकता है, वरना तो मैं शरीर के साथ बिल्कुल ही किसी काम का नहीं हूँ। शरीर बड़ा है लेकिन किसी काम का नहीं है। ये क्या, ये तो मैं कहां से आ गया हूं, किस टनल से निकल कर आ गया हूं, और ये तो सामने एवेंजर्स हेडक्वार्टर है। इसके अंदर अगर मदद मांगने जाऊंगा तो टोनी स्टार्क मेरे अंदर से सीरम निकालने के बाद मुझे मार भी सकता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तो एक ही बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा इससे पहले कि अगर कोई भी एवेंजर मुझसे टकरा गया तो भाई वो तो मुझे आवाज के बगैर ही मार देगा। मैं फौरन से अंदर जाके देखता हूँ कोई ऐसी जगह पे जाके तरीके से देखता हूँ कि कोई मुझे देखना, और मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज को इधर ही एवेंजर हेडक्वार्टर में किसी ना किसी भी तरह ढूंढना पड़ेगा। गाइस तो कार नहीं जा चुका है, ओ भाई साहब ये तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ जा रहा है, देखते हैं ये नीचे किसके पास जा रहा है। यहाँ पे टोनी स्टार्क की लैब है। गाइस तो फाइनली कारने जा चुका है, ओ भाई साहब बड़े ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये क्या टोनी स्टार्क तो अपना सूट सही कर रहा है, अब देखना पड़ेगा कि भाई इसको बगैर इसको किसी छेड़े वापस से ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। एक मिनट गाइस यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, अगर टोनी स्टार्क ने देख लिया तो भाई इसको अंदर ही पकड़ के इसका सीरम निकाल लेगा। अब ये तो जा ही नहीं पाएगा अंदर से ही, क्या ये तो अंदर से भी निकल गया। देखते हैं फौरन से ऊपर ही आके बड़े ध्यान से बाकी एवेंजर से बचते हुए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी तरह ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ओ भाई साहब ये सामने कमरा लग रहा है, इसमें क्या है, अभी क्या कर रहा है भाई, स्पाइडरमैन ऐसे नाडे में खड़ा हुआ है। ये नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले फ्लोर पे होगा। अबे भाई ये देखें भाई गर्म पानी में सर्दी में नहा रहा है अल्क। अब देखते हैं और कौन कौन कहाँ पर, अबे ये सामने कौन खड़ा हुआ है इसको छोड़ो। ओ भाई साहब गाइस ये तो थॉर खड़ा हुआ है, इससे तो भाई पहली फुर्सत में निकलने की करनी है। और ये ब्लैक पैंथर क्या कर रहा है भाई, मौसम टायर्ड हो रहा है तभी सारे नजारे ले रहे हैं। काम करते हैं अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाके देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ओ भाई साहब गाइस फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज इसको मिल गया है और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और ये फाइनली अंदर आ गया है। देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ओ भाई तो ये है कार्नेज का, तो भाई ये तो ये वाला कार्नेज है भी इतना बड़ा। ओ भाई साहब गाइस ये तो गॉन्टलेट से कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, अभी देखते हैं। हां कार्नेज कैसे आ रहा हुआ तुम्हारा, अभी तुम्हें कैसे पता मैं आ गया हूं, मुझे सब पता है तुम आ गए हो, तुम्हारे आने और जाने का मुझे सारी सब चीजें मुझे दिख रही थी। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या करना है। अबे यार डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे साथ मसला हो गया, घूस कम्युनिटी वालों ने मेरी सारी पावर ले ली है, अब मैं तो सिर्फ इस शरीर के अंदर भी जीरो एक नो हूं, मुझे किसी भी तरह मेरी पावर कुछ भी करके ना हो। मैं तुम्हें यहीं से काम करता हूं, टेलीपोर्ट करके जंगल की तरफ कर लेता हूं, तुम जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई देख लेगा तो और मसला हो जाएगा। वहीं बैठ के कुछ ना कुछ मैजिक करना पड़ेगा जिसके थ्रू तुम्हारी पावर वापस आए, वापस से तुम उस पावर का सही से यूज करना भाई। घोस्ट कम्युनिटी का तुम्हें मना किया था ना, देख लिया क्या हाल किया, कर दिया तुम्हारा। अबे यार डॉक्टर स्ट्रेंज सही कह रहे हो यार, एक काम करते हैं इससे पहले कोई है तो मुझे टेलीपोर्ट कर दो उस जगह। ये डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ये आ चुका है इस पहाड़ी के ऊपर। ओ भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है कार्नेज यार, बगैर पावर के भी बहुत खतरनाक है। अब देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करेगा इसके साथ। कार्नेज तुम इधर ही खड़े रहो, मैंने मौसम वेदर चेंज कर दी है, अब मैं तुम्हारे ऊपर मैजिक करूंगा, तुम डरना नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ी देर में इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी पावर वापस आएगी, लेकिन तुम्हारी सारी पावर एकदम से वापस नहीं आएगी, तुम्हारी पहले थोड़ी पावर वापस आएंगी और उसके पास से तुम्हारी पूरी पावर वापस आएंगी। ये डॉक्टर स्ट्रेंज मैं इधर ही खड़ा हूँ भाई, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे ऊपर जो भी मैजिक करना है कर लो, बस मेरी जिस तरह का मेरा शरीर है उस हिसाब से मेरी पावर वापस ला दो। फिकर नहीं करो, बस मैं 2-3 मिनट के अंदर मैजिक शुरू करने वाला हूँ। गाइस तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज भाई फुल खतरनाक तरीके से इस पर मैजिक करने वाला है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है इसके अंदर से। ओ भाई साहब गाइस ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो भाई मैजिक स्टार्ट हो गया है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कितनी देर तक हुआ, तुम फिकर नहीं करो, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो रहा है पूरी तरीके से, तुम्हारे ऊपर मैंने मैजिक शुरू कर दिया है, अब तुम्हारी पावर हल्के हल्के फेजेस में तुम्हारे अंदर आती रहेंगी। ये यार जल्दी कर दो भाई, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ थोड़ी तकलीफ तो बर्दाश्त करो भाई, कोई मसले की बात। गाइस तो मुझे लगता है मैजिक भी रुक गया है और बारिश भी रुक गई है, वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ओ भाई साहब अब देखना पड़ेगा इसके अंदर पावर आई या नहीं। तुम एक काम करो, मैं जो है यहाँ से शॉर्ट हो रहा हूँ, इससे पहले कि एवेंजर्स का कोई भी बंदा मुझे देखे, जाओ और लॉस सैंटोस में 2-3 होंडा ग्रुप मारो, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी हल्के हल्के पावर प्रो से गॉड में बदल जाएगी। ये डॉक्टर स्ट्रेंज तुम जैसा बोलो बस मैं निकलने की करता हूँ, तुम भी निकलो। गाइस तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज तो चला गया है और ये देख सकते हैं आप कार्नेज कितना खतरनाक हो गया है। अब मुझे अभी उसके अंदर कोई पावर लग नहीं रही, देखते हैं क्या लॉस सैंटोस में जाके शायद इसके पास पावर आ गया। गाइस तो फाइनली कार्नेज लॉस सैंटोस के अंदर आ गया, बल्कि ये तो भाई फ्रैंकलिन के घर के पास आ गया है और अब इसको फौरन से लग रहा है कि भाई इसके तो पावर भी आ गई है। वो भाई साहब इसकी जम से लग रहा है बड़ी खतरनाक पावर आ गई है इसके पास। देखते हैं गाइस सामने हुंडा ग्रुप है, इसको देखते हैं मार के देखेगा और फिर रिपोर्ट करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये अच्छा हुआ इसको बता दिया कि भाई किसी आम बंदे को नहीं मारने, हुंडा ग्रुप ही खत्म करने हैं, इसे हुंडा ग्रुप
भी मारेगा तभी इसकी पावर प्रो से गॉड में बदलेगी। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे तो काफी लोग खड़े हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे। ओ भाई साहब ये देखें गाइस, फौरन से इसने हमला कर दिया है। ओ भाई साहब देखते हैं गाइस, ये तो भाई हवा में इतनी गोली स्पीड में उड़ रहा है भाई, तो बंदे ही हाथ में नहीं आ रहे। ओ भाई साहब फाइनली गाइस ये फुल होंडा गैंग के ऊपर इसने हमला कर दिया है। देखते हैं गाड़ी रोकी है इसने यहाँ से। ओके की रिपोर्ट में भाई, ये ले गाइस ये देख रहे हैं किस तरह ये मार रहा है इस होंडा ग्रुप को। ओ भाई साहब ये देख रहे गाइस, पूरे स्पाइक्स मार रहा है उसको, देखे वो हाथ से मार रहा है इतने बड़े कार्नेज को। ओके भाई ये तो बिल्कुल ही क्या गुंडा बनेगा। ये देखें गाइस, गाइस अब देख रहे हैं, ये देखें गाइस अपने अंदर से फुल स्पार्क्स फेंक रहा है। ओ भाई साहब पूरे ब्लेड निकलने इसके अंदर से खतरनाक तरीके से। एक बंदा तो वो खड़ा हुआ है, अभी देखते हैं इसका केक काटते हैं। ये देखें गाइस किस तरह वो उछाल उछाल के मार रहा है वो, उसका तो भाई गया वो फायर। गाइस लग रहा है किसी ने खतरनाक तरीके से मशीन गन खोल दी है। ये ले ओ भाई साहब तीन उड़ते हुए कहीं गाइस, ये देख रहे हैं आप, वो देखें अभी भी उड़ उड़ के मार रहे हैं भाई। ये तो तीनों में बहुत पावर है यार, ये देख रहे हैं गाइस। अब तक इनका सर खाना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब ये देखें गाइस किस तरह उछाल उछाल के इसका पूरा सर खा लिया है। ओ भाई साहब पूरा बंदा खा लिया गाइस, देखते हैं। ओ भाई एक करके सारे बंदे खा रहे हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। तीन बंदों का सर समेत पूरा का पूरा खा गया, ये चार बंदे खा गया गाइस। ये देख रहे हैं इसकी स्पीड कितना खतरनाक है भाई। ये आखिरी बंदे को गाइस लग रहा है कि ये पूरा पकड़ लिया है, वो चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरीके से, देखते हैं क्या रिपोर्ट पहुंचाता है। मुझे तो लग रहा है भाई गाइस डुबा के तो नहीं मारेगा। ओ भाई साहब ये देखें गाइस, इसको तो भाई ये फुल डुबा के मार रहा है। ओ भाई साहब पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, लग रहा है बहुत ही बहुत बेदर्दी से मारेगा, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है इसकी। ओ भाई साहब ये भी देखें गाइस, पूरा का पूरा इसने इस बंदे को खा लिया। ये देखें ओ भाई साहब गाइस इसकी तो भाई खतरनाक तरीके से पावर आ गई है। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये तो अब नूब से गॉड में कन्वर्ट हो गया। अब देखते लग रहा है कोई बहुत ही खतरनाक होस कम्युनिटी का विलन आ गया, क्या आ गया। ओ भाई ठीक है गाइस, होस कम्युनिटी ने इसी का रेप्लिका भेज दिया है कार्नेज का। ओ भाई साहब देखें गाइस कितनी स्पीड से निकल रहा है। अब ये कौन आ गया है गाइस, ये देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब ये देखें गाइस, कार्नेज को फेंक दिया था लेकिन ये देखें, ओ भाई साहब वापस से इसने पकड़ लिया इसको। ओ भाई ये देखें गोस कम्युनिटी ने क्या भेज दिया, कितना खतरनाक बंदा भेज दिया है। ओ भाई साहब पूरे वेनम को छाल उछाल के मार रहा है। ये ले गाइस इसकी तो पूरी पूरी भरी खा गया ये। ओ भाई साहब फाइनली गाइस गोस कम्युनिटी की तरफ से पता नहीं क्या चीज भेजी थी, बहुत ही खतरनाक थी, तो बिल्कुल कार्नेज जैसी पावर थी इसकी, लेकिन फाइनली कार्नेज ने इसको मार दिया है। गाइस फाइनली कार्नेज अपनी वापस हालत में आ गया है डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से। अब देखते हैं ये गोस कम्युनिटी के साथ रहता है या वापस एवेंजर्स के साथ मिल जाता है ये कार्नेज। गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसी तरह, और हम लोग इसी तरह की मजे मजे की वीडियो लाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।